यहीं से रूपा जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वादा देख रहे हैं 5850 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 5900 का हाई लगा चुका है, 1% की करेक्शन है, लेकिन 5790 का भी लो लगा चुका है। रूपा जी आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन यहाँ से 5500-5600 का भी लेवल दिखा सकती है अभी नीचे में? बिल्कुल दिखा सकती है जिस हिसाब से गिरावट आई है, और 5500-5600 डेफिनेटली संभव है। और अभी तो फिलहाल एडिबल ऑयल पैक में किसी में भी गिरावट तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। सरसों भी ऊपरी स्तरों पर गिरी है आज बाजारों में, कल के बाजारों की बात करें तो सरसों में भी गिरावट देखने को मिली है। इन लेवल्स के ऊपर मांग में काफी कमी आती हुई दिखाई दे रही है, और सरकार ने जिस तरीके से इम्पोर्ट शुल्क घटाया है तो इसका सीधा असर एडिबल ऑयल पैक के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी फिलहाल एडिबल ऑयल पैक सभी गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं। जी रूपा जी, कुछ दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं आपसे इस वक्त लाइव जुड़े हमारे साथ कि सोयाबीन में जैसा आपने बताया कि 5500-5600 नीचे में जाती नजर आ सकती है, तो क्या उन लेवल्स पर खरीदारी करना सही रहेगा? में अपडेट कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये कहना कि 5500-5600 के आसपास आकर बाजार सस्टेन कर जाएगा थोड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से अभी सिनेरियो बन रखता हुआ मार्केट्स का दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से देखना होगा कि 5600 के आसपास वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, खरीदारी आती है, लेकिन अभी फिलहाल ये कहना नहीं मुश्किल है कि वहां पर आकर आप बाइंग करें। 5600 के बाद अगर बाजार टूटे तो और भी गिरावट बढ़ सकती है, तो फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच की ही पॉलिसी होनी चाहिए। फ्रेश एंट्री एक बार थोड़ा सा एक दो दिन के लिए वेट करके चलना चाहिए। जी